तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइस फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं ITBP ASI पैरामिस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट। सर इसमें हाइट चेस्ट वेट क्या मांगते हैं, सैलरी सर क्या रहने वाली है, प्रमोशन सर इसमें कैसे होता है हमारा, और सर पोस्टिंग हमारी कहाँ पर की जा सकती है। गाइस सैलरी के बारे में स्पेशली बात करेंगे, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा भाई। अगर आप वीडियो स्किप करते हो आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भाई आप देख पा रहे हो भाई, फर्स्ट में यहाँ पे ये दोस्तों अपनी ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको दोस्तों इस साइट के ऊपर आके अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, जो कि भाई आप देख पा रहे हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ASI पैरामिस्ट 2022 इन ITBPF। तो गाइस आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। हम दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामिस्ट 2022, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड मेल एंड फीमेल। गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। गाइस ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से बिलोंग कर रहे हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप इसमें बन जाओगे। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है आपकी ये, ठीक है। और गाइस अगर हम बात करें फॉर्म के बारे में, 25 अक्टूबर, गाइस 25 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन ITBP की भाई साइट के ऊपर। एंड 23 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, 11:59 पे रात को साइट आपकी बंद हो जाएगी। तो आप सबको फॉर्म पक्का फिलअप कर लेना है। अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, 24 आपकी पोस्ट है, 12 आपके जनरल में है, AWS में 2 पोस्ट है, OBC में 6 है, SC में 3 है, ST में 1 है। अब ये मत सोचिए कि सर पोस्ट इसमें कम है। देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है, द वैकेंसीज आर टेन टू यू एंड मे इंक्रीज एंड डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। आपकी भाई वैकेंसीज को ये घटा और बढ़ा सकते हैं। तो भाई घटने के कोई चांसेस नहीं, लेकिन बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको ये फॉर्म पक्का फिलअप करना है भाई। ITBP कभी भी आपकी वैकेंसीज को इंक्रीज कर सकती है, कभी भी बढ़ा सकती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना वैकेंसीज को लेके, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके भाई यहाँ पे PST के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे स्केल एंड अदर अलाउंस है। आपकी जो गाइस सैलरी है इसमें भाई, देखिए ध्यान दीजिए, आपकी जो सैलरी है भाई, कम से कम बता रहा हूँ आपको, 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे फर्स्ट में रहने वाली है। 50,000, 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी जो भाई आपका यहाँ पे डिफरेंस। देखिए लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, लेवल 5 जॉब समझ रहे हो ना, लेवल 5 की जॉब है आपका जो भाई ग्रेड पे, इसमें 2,500 ग्रेड पे के आसपास आपका ग्रेड पे रहने वाला है 7th पे के हिसाब से, ठीक है। अदर अलाउंस इसमें आपको दिए जाएंगे दोस्तों, 50,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे आराम से रहेगी। बात करें एज लिमिट के बारे में, 20 से 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाती है। और अगर आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, गाइस यहाँ पे देखिए, प्लस टू पास आप होने चाहिए, साथ में आपके पास प्लस टू में PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने पढ़ रखा है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एंड गाइस साथ में आपके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। गाइस आगे मैंने भाई आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं अभी मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बोला है SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी एज में, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अदर बैकग्राउंड OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। आप आराम से भाई वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, PST के बारे में। जो हाइट है दोस्तों, ऑल कैंडिडेट ST वालों की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर बात करें चेस्ट के बारे में, 77 से 82 चेस्ट आपसे मांगते हैं इसमें। और जो भाई, जो मेरे भाई बंधु डोंगराज मराठा, बिलोंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड से बिलोंग करते हैं, आपकी जो हाइट है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल की जो यहाँ से बिलोंग करती हैं, 80 से 85 आपकी यहाँ पे होनी चाहिए चेस्ट, ठीक है, जो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो ST वाले हैं उनकी जो यहाँ पे चेस्ट है 77 से 82 होनी चाहिए, जो आपकी हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पे फीमेल के लिए, जो भी ST कैंडिडेट है, ठीक है। गाइस अगर आप आगे हम बात करते हैं, जो भी मेरे भाई बंधु जनरल OBC SC से हैं, आपकी जो यहाँ पे हाइट है 170 सेंटीमीटर चाहिए, 170 सेंटीमीटर चाहिए, जो आपकी हाइट है फीमेल में 150 सेंटीमीटर चाहिए, 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका जरूरी है यहाँ पे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मेडिकल आप फिट होने चाहिए, आपकी जो भाई आंखें हैं 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई मेडिकल के बारे में आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई पोस्ट आपकी बहुत ही जबरदस्त है ये, और सैलरी आपकी बहुत ही मस्त है इसमें, ठीक है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपके PET के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, PET जिसको हम बोलते हैं। पेज 1 में द इवेंट ऑफ PET फॉलोज टाइम चांस,
जो भी मेरे भाई बंधु मेल हैं, ठीक है, जो भी लड़के हैं, आपकी यहाँ पे रेस होने वाली 1600 मीटर, जब आप क्लियर करने 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट है, यहाँ पे 3 चांस आपको दिए जाएंगे। अगर आप लॉन्ग जंप को 11 फीट आप कर देते हो 3 चांस के अंतर्गत, तो आपको पास किया जाएगा, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। हाई जंप आपका भाई यहाँ पे 3.5 फीट रहने वाला है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। बात करें फीमेल में, 800 मीटर आपकी रेस होने वाली है, 4 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर रेस क्लियर करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप आपका भाई 9 फीट है, यहाँ पे फीमेल के लिए बता रहा हूँ, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप है। हाई जंप आपका 3 फीट है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए, एंड हाई जंप के लिए भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। 3 चांस के अंतर्गत आपको ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा जाएगा गेट पे कि आप बाहर जाइए यहाँ से, ठीक है। तो आपको अपना भाई जो भी आपका कंपटीशन है, जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जज्बा और जोश के साथ आपको जाना है, पीएसटी पीएटी क्लियर करके आना है। फिर गाइज आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, जिसमें आपके रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आएंगे, और जो भाई देख रहे हो आप जीके के आएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी के आएंगे, और जो आपकी ट्रेड है जैसे कि पैरामिस्ट की है, आपको भाई उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन। जो आप भाई आपके नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 है, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा फर्स्ट पेपर में। और गाइज बाद में फिर आपका इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी होना है, क्या होना है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी होना है। तो भाई आप यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका, विवा वोस से, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, 30 नंबर का है, ठीक है, प्रोसीडोर्स 30 नंबर का है, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल होने वाला है आप सबका। तो गाइज इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी बहुत ही मस्त है, काफी 250 वैकेंसीज है भाई, काफी अच्छी सैलरी है आपकी इसमें। और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और जो मेरे भाई बंधु के बोलते हैं कि सर सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए इसमें हमारा, तो देखिए दोस्तों जब भाई आप फॉर्म फिलअप करते हो, जो भी ST ST वाले हैं, SC ST वाले हैं, आपका भाई यहाँ पे सर्टिफिकेट जो चाहिए वो चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। वो कौन सा होता है, वो सर ये होता है, ध्यान दीजिएगा, वो ये होता है जिसके ऊपर एक्ट लिखे होते हैं। आपको ये फॉर्म भर के अपना भाई सर्टिफिकेट बनवा लेना, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज थैंक यू सो मच, उम्मीद करूँ दोस्तों आपका मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो एक लाइक तो बनता है, तो भाई क्या कर रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो मेरे भाई बंधु फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ भी डाउट हो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।